अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए आधा किलो कीमा लिया है बीफ, और एक पाव दाल है चना की जिसे धो के बॉयल कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून धनिया साबुत है, 1 टेबल स्पून अदरक है, लहसुन के 10 से 12 जवे है, बड़ी इलायची 1, दालचीनी 2 छोटे टुकड़े और धनिया आधी घटी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब ये गोश्त है, लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी तमाम मसाले जो हैं ये इसमें कुकर में डाल रही हूँ मैं। इनको बॉयल करना है अच्छे से। ये मैंने पानी डाल दिया है इसमें बोटियाँ बिल्कुल डिप हो गई हैं। कम पानी नहीं डालना क्योंकि इसने अभी गलना है, बीफ ज़रा गलने में टाइम लेता है, तो पानी इतना होना चाहिए कि ये नीचे ना लग जाए। प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब तकरीबन हम जब इसकी स्टीम निकलने लग जाएगी, वेट हिलने लग जाएगा, उसके बाद 25 मिनट तक हमने इसको बॉयल करना है। ये बीफ हमारा गल गया है, तो अब ये जो दालचीनी डाली थी इसको हम निकाल देते हैं इसमें से। ये आप चॉपर में डाल के बीफ को, तो ज़रा इसको चॉप कर लेते हैं। ये कीमा बन गया है इसका। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करते हैं। ये दाल ऐड कर दी है, पहले वाला कीमा और दाल मैंने निकाल ली है। अब ये बाकी जो दाल रह गई थी ये इसमें डाल के, तो मैंने इसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। अब ये धनिया इसके अंदर डाल के, तो इसको भी साथ ही चॉप कर लेंगे। अब ये कुटी हुई लाल मिर्च है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून इसमें मेथी है खुश्क, ये मैंने डाल दी है, और 1 अंडा है फटा हुआ, इसमें डाल के इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है आपने। तो ये देखें, अब मिक्स हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। ये इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके हम टिक्कियाँ बना लेते हैं इसकी। तो ये देखें, ऐसे कलरफुल सी टिक्कियाँ बन गई हैं शामी कबाब, और अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये ऐसे एक एक करके इसको डालते जाएं और फ्राई करते हैं। जी ये हमारी बन चुकी हैं, अब मैं इनको निकालने लगी हूँ डिश में। जी हमारे शामी कबाब तैयार हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।